अमरीका दे विच इक पंजाबी नौजवान दी मौत हो गई है। नौजवान दी मौत दे कारण पूरे परिवार दे विच मातम दा माहौल छा गया है। मां प्यो दा रो रो के बुरा हाल है। 15 महीने पहला करनाल तो जलमाना दे गोबिंदगढ़ तो महताब विरक अपने सुपने पूरे करन लई यूएसए गया सी। उसनू बार भेजन लई लखां रुपए खर्च हुए सी, जो परिवार ने जमीन वेच के जुटाए सी। सब कुछ सही चल रहा सी। महताब अपना गुजारा ट्राला चला के कर रहा सी, पर कुछ दिन पहला वो अपने दोस्तों दे नाल गर्मी ज्यादा होने दे कारण झील दे विच नहाउण चला गया, जिथे एक दोस्त डुब जांदा है ते महताब नू बाहर काढ लिया जांदा है। महताब नू इलाज दे लई अस्पताल भर्ती करवाया जांदा है, पर उसके दिमाग दे विच पानी वड़ जांदा है, जिस कारण महताब दी इलाज दौरान मौत हो जांदी है। 24 साल महताब अपने रिश्तेदारां दे घर रह रहा सी। इस हादसे तो बाद पूरे पिंड दे विच मातम दा माहौल छा गया। परिवार दा रो रो के बुरा हाल है। अते परिवार ने हुण सरकार तो मंग कीती है कि उनां दे बेटे दी लाश नूं भारत लियाउण दे विच मदद कीती जावे। देखना होवेगा कि हुण सरकार इस मामले दे विच परिवार दी की सहायता करती है। उत्थे महताब अपने मां प्यो दा इकलौता पुत सी। अपने पुत दी मौत तो बाद मां प्यो दा रो रो के बुरा हाल है। अगर सुबह उस अपने फूफा के पास रहता था, वो उसका बुआ फूफा वहाँ है, तो वहाँ से वो दो लड़के आए, उनके साथ नहाने के लिए चला गया। लेकिन तो थोड़ी देर बाद उसके फूफा का फ़ोन आया, जहाँ भी ऐसे ऐसे मताब नहाने के लिए चला गया था, तो लेकिन वो डूब गया, तो उसको न 10-15 मिनट में ही वहाँ निकाल लिया गया है। दूसरा लड़का नीचे चला गया, वो उसका पता नहीं लग रहा अभी, तो उसको हॉस्पिटल में है। तो जैसे हमें पता लगा, हम भी आए, कल भी आए, यहाँ परिवार के साथ बैठे, तो कल उम्मीद थी हमें बड़ी परमात्मा के अरदासें कराई भी, चलो परमात्मा हमारा बच्चा बच जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो रात 10 बजे फिर ये पता लगा भी वो परमात्मा को प्यारा हो गया है। तो उसके बाद बस परिवार का बहुत माड़ा हालात है, वो देख ही रहे हैं आप। बाकी हम चाहते हैं अभी सरकार हमारी मदद करे, तो हम अपने रीति रिवाजों से यहाँ अपने बच्चे का संस्कार कर सकें। कम से कम हमें ज़िंदगी में तसल्ली रहेगी भी हमने अपना बच्चे का आप संस्कार किया है, नहीं तो सारी उम्र हमारे लिए वो सपना हो जाएगा एक। तो आप आखिरी बार अपने दोते से कब मिले थे, क्या बातचीत हुई थी? मेरे को 2 महीने हो गए हैं बात हुई थी, जब तो बातें कर रहे थे। मैंने पूछा बेटा लग गया है काम पे, कहता है बहुत बढ़िया काम पे, नाना ही लगा हूँ। तो मैं वैसे उसे मजाक कर रहा था, मैं बेटा अपने पापा को गाड़ी ले दे कोई, चलो उनको सुख हो जाए, कोई नहीं, कहता नाना ही ले देता हूँ, मैं दूंगा लेके। जब मेरे जब गया जिस दिन, उस दिन भी मेरा बेटा उसको छोड़ गया था एयरपोर्ट पे। कितने वक्त पहले गया था मैं तब? ये 12-15 महीने पहले के लगभग ये गया था जी। कहाँ पे था, कौन सी कंट्री में था? ये यूएसए में अमेरिका में था, बाकी वो वहाँ कौन सी स्टेट में था मेरे को इतना नहीं पता, मैंने ज़्यादा नहीं पूछा उनसे कभी। डोंकी के रास्ते से गया था। इकलौता बेटा था, एक लड़की है छोटी, उसे तो बड़े सपने थे हमारे भी उसके सिर के ऊपर भी, हमें तो था भी हम इसकी शादी को ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे, हमें क्या पता था। यही सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारा बेटा, हमारे उसकी डेड बॉडी जो हमें मिले, सरकार हमारी मदद करे, कम से कम आखिरी बार तो उसके बच्चे के दर्शन कर लें, हम अपने रीति रिवाजों से उसका संस्कार कर ले, तो थोड़ी मन को तसल्ली हो जाएगी। क्यों हमारा दामाद भी जो बेटिया भी है वो बड़े सदमे हैं। हमें हम तो यही चाहते हैं कि इसकी बूढ़ी यहाँ आए और अपने हाथों से संस्कार हो, सरकार के यही दुआ कर रहे हम, तो इसकी डेड बॉडी यहाँ आनी चाहिए। परिवार में कौन कौन है महताब के? उसका डैडी है, उसके दादाजी हैं, दादी है, तीन बहनें हैं, बुआजी हैं उसके, बुआजी के पास वो गया था वहाँ अमेरिका के अंदर, उनके पास ही रहता था। परसों 2 बजे खाना खाने के बाद वो गया झील पे नहाने के लिए, वहीं ये अचानक हादसा हो गया और उसकी डूबने की वजह उसके दिमाग में पानी चला गया, तो काफ़ी इलाज हुआ लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी तो यही दुआ है कि हमारी सरकार मदद करे और हमारा डेड बॉडी इंडिया आए, तो इसका संस्कार अपने घर हो, माता पिता को पूरी तसल्ली हो जाएगी कि हमारा बेटा हमारे हाथों से गया है।
एक और भी लड़का था साथ में उसके? एक लड़का और था, उसकी भी डेथ हो गई है कुछ दो चार दिन रोज पहले। पुंडरी के दो लड़के थे, उनकी भी डेथ हो गई है वहीं उसी झील में। काफ़ी हादसे हुए हैं जी। हम ठीक